जय सियाराम। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा से जो नवग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं, और ज्योतिषीय रूप से या फिर कुंडली में कोई दोष अगर व्याप्त हो तो वो भी ठीक हो जाता है, उसकी भी शांति मिल जाती है, और उसके बाद एक नए रास्ते की शुरुआत होती है, एक नया मार्ग प्रशस्त होता है। इन तमाम बातों की आज हम लोग बात करेंगे कि हनुमान जी की पूजा से क्या क्या संभव है, क्या ज्योतिषीय रूप से अगर किसी के जीवन में कठिनाई आ रही है तो क्या हनुमान जी की पूजा से वो ठीक हो सकता है, जो बीमारियां हैं या फिर किसी प्रकार की समस्याएं हैं वो कैसे ठीक हो सकती हैं, इन तमाम बातों की हम बात करेंगे। और इस बार हमेशा की तरह फिर से उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी। बहुत अच्छे ज्योतिष हैं और दिल्ली NCR में इनके जोड़ का कोई ज्योतिष नहीं, और खासकर ललाट विद्या के बहुत अच्छे जानकार हैं और हनुमान जी के तो भक्त हैं ही। गुरु जी, जैसे कि मैंने आचार्य जी ये जिक्र किया कि जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो भी गड़बड़ियाँ हैं व्यक्ति के कुंडली में, हनुमान जी की पूजा आराधना से वो सब भी ठीक हो जाता है। जी, जय श्री राम। दोस्तों, मैं इस विषय में आपसे बताना चाहूँगा कि कलयुग में केवल हनुमान जी ही एक ऐसे जीवंत देवता हैं जो धरती पर अभी भी हैं। बाकी सारे देवी देवता लोग अपने लोक में हैं। हनुमान जी को ये वरदान है कि कलयुग में पृथ्वी पर रहेंगे और हम लोग के हर वक्त हम लोग के साथ हैं। किसी भी तरह की अनिष्ट की घटनाएँ होती है, उसको रोकना है या आपको किसी तरह का अंदेशा है, डर है, भय है कोई बीमारी का, हनुमान जी बहुत कारगर उपाय उनका किया जाए तो किया जाए। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और मैं बहुत पुराना ज्योतिषाचार्य हूँ। मैं कई चीज़ें प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, उसको गौर से देखिए। जहाँ ज्योतिष काम नहीं आता वहाँ भी हनुमान जी ने मेरी कैसी रक्षा की और मैं कैसे। मेरे पास सबसे पहले एक बार लाजपत नगर दिल्ली से कोई लेडीज आ गई, उनके मवेशी एक खूंटे पर बार बार मर जा रही थी। अच्छा अच्छा। वो गाय बांधे तो, भैंस बांधे तो, बैल बांधे तो, मतलब उनके दरवाजे पे कोई भी अगर वो मवेशी पाले नहीं, उसी पर्टिकुलर खूंटे पे। अच्छा, उस खूंटे पे। अच्छा। उस खूंटे पे। अब वो सवाल लेकर वो मेरे पास हो गई। मैं पढ़ाते वक्त हमारे को गुरुजी ने ये बात पढ़ाई नहीं थी और मेरे लिए बड़ी नई बातें आ गई सामने, तो मैं अब उनको क्या जवाब दूं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, इसका जवाब मैं आपको कल बता दूंगा। तब के ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं थी, लैंडलाइन हुआ करता था। मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट कमिंग संडे को आइएगा, इस पर व्यापक स्टडी करके मैं बताऊंगा। अब मैं रात को सोते वक्त मेरे दिमाग में यही चल रही थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। सोते सोते रात में कब नींद लग गई सुबह, सपने में मैंने क्या देखा कि हनुमान जी बोल रहे हैं कि द्वितीय भाव से धन देखा जाता है, तो पशु धन द्वितीय भाव होती है ज्योतिष में। अच्छा। और इसको ये उपाय हनुमान जी का करा दो, इसकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने बोला कि खूंटे के ठीक नीचे जमीन में शहद पूरा गिरा लो मंगलवार को, और उसके बाद खूंटा ठुकवा दो उसी जगह पर, और उसके बाद कोई मवेशी का ऐसा नहीं होगा। मैंने हनुमान जी का नाम लिया। नेक्स्ट संडे वो लेडी आई भी, मैंने उसको यही उपाय बताया। लेकिन आज तक मैं आश्चर्य रहा कि किसी भी किताब में मैंने ये पढ़ा नहीं था उपाय, और ना किसी ने मेरे को बताया। तो हनुमान जी तो मेरे गुरु हो गए, और वो आज भी लेडी जाती है, हर कोई भी छोटी मोटी समस्या उसके 10-20 रिलेटिव आज भी आते हैं। वो इतनी मेरे से प्रभावित हुई। तो ये तो मैं योगदान हनुमान जी को ही दूंगा, मतलब मार्ग प्रशस्त हुआ। हाँ जी, हाँ जो प्रेरणा जगी। ऐसे ही दिल्ली में एक बार क्या हुआ कि दिलशाद गार्डन में किसी की वास्तु आ गई, बहुत प्रेशर देना वो शुरू कर दिए कि नहीं जी आपको गुरुजी आना है, मैं वास्तु में कम जाना चाहता हूँ, जो टाइम ही नहीं है। जी, 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 जब घर पे ही लोग इतना दौड़ रहे हैं तो मैं फिर गया जी। अब उनके यहाँ एक विचित्र तरह की समस्या उन्होंने सामने रखी। मैंने बड़े बुजुर्ग लोग तो थे ही साथ में, उनके तीन भाई, तीनों की बहन थी, वाइफ वगैरह थी, तीनों से जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो डिलीवरी के 1 घंटा पहले वो मर जाता था पेट के अंदर। और जब इशू बाहर आते थे तो ऐसा लगता था कि किसी ने चारों साइड में दाग रखे, जैसे कि वो चेचक नहीं होती, बड़ी माता जो हम लोग बोलते हैं, पूरे शरीर पे दाग 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 दाग, वैसे ही।
अब ये चीज़ समझ में मेरी भी ना आवे भाई ये बात क्या है। उनकी कुंडली पूरी खंगाई, बहुओं की भी कुंडली देखी, वास्तु भी देख लिया, जेंट्स की भी देखा, सबकी देखा, समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को स्टडी का टाइम चाहिए, मैं ओपन ही बोल दिया कि वो केस मेरे लिए नया है। रात में फिर मैं यही सोचता रहा कि कुछ सपने में दिखा दो भगवान, क्या चीज़ है, क्या ऐसे क्या बात है। सुबह नहा धोवा के जब मैं हनुमान जी की पूजा करने बैठा, पहले राम जी की करके हनुमान जी की तरफ ध्यान लगाए, अचानक दिमाग में एक आइडिया आया कि इन लोगों ने इनके परिवार में कोई आदमी जीव हत्या करता है तड़पा के, यही बार बार दिमाग में आए, बार बार दिमाग में आए। हमने कहा ठीक है जी, तो मैंने उनको पूजा वूजा ख़त्म हो गई, उसके बाद मैंने उनको कॉल लगाई अपने लैंडलाइन से, बोले कि शर्मा जी आप आइए मेरे पास, कुछ मेरे को संदेह है। तो वो बोले कि आज तो नहीं आऊँगा और हम लोग उम्मीद किए हैं कि आप टाइम दिए हैं तो आप ही आएंगे। मैं उनके पास चला गया क्योंकि क्यूरियोसिटी मेरे को ज़्यादा थी, तो मैंने ये बात बताई। तब तक छोटी वाली बहू बोल गई, ये काम तो पिताजी ही करते हैं, मैंने अपने ससुर साहब के पास। हमने बोला क्या करते हैं बेटा जी, आ तो सुबह सिगरेट पीते हैं, चूहादानी में चूहा पकड़ में आता है, अब पीते रहते हैं उसको दागते रहते हैं, अच्छे ने स्मोकर तो हैं ही, ये पीते रहते हैं दागते रहते हैं, तब तक उसको बुझाएंगे भी जब सिगरेट को तो उसी से बुझाएंगे, उसके बाद नीचे जाते हैं वॉकिंग में तो चूहा कहीं फेंक देते हैं। मेरे को एकदम शक जो है यकीन में बदल गया। फिर मैंने उन्हें कई उपाय बताए, चूहे के ऊपर, गणेश जी के ऊपर, हनुमान जी का भी कई उपाय बताए, और उसके बाद से जो डिलीवरी हुई वो नॉर्मल हुई, और आज बच्चे तो करीब कई साल के हो गए, बड़े हो गए, युवा अवस्था में आ गए। तो हनुमान जी का चमत्कार तो मैंने ऐसे ही देखे हैं। जी हाँ जी हाँ, और कई बार जैसे हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में मदद करते हैं, वो तो करते हैं, वो गदा लेकर के उपस्थित नहीं होते। हाँ जी हाँ जी, लेकिन आपकी सहायता जरूर करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इस तरह से अगर भक्त आप हैं तो मार्ग प्रशस्त। हाँ जी हाँ जी। अब उसी शर्मा जी की एक रिलेशन की एक घटना घटी ऐसे कि ऐसा शुगर की बीमारी हो गई छोटे बच्चे को कि डॉक्टर भी है कि इस उम्र में छोटे बच्चे को शुगर की बीमारी हो जाए और उस तरह की बीमारी हो जाए हद से ज़्यादा। तो उन लोगों ने मेरे को बुलाया, उसकी कुंडली वगैरह पूरा खलाए, मैंने देखा कि मंगल बदी है, षष्ठम भाव का भी मालिक है, कई दिक्कत है। तो मैंने हनुमान जी के नाम लेके दो चार उपाय उनको बताए। एक तो मंगलवार को मैंने बताया कि शहद थोड़ा सा ना ओठ पे चिपका दीजिए, मैंने लगा दीजिए, छोटा बच्चा है ये लगा दीजिए। और मैं अपनी स्टडी बता रहा हूँ, साइंस की भाषा में समझ लीजिए, ब्लड का रिप्रेजेंटेशन जो है मंगल ग्रह से ही है, जो हनुमान जी उसके मालिक हैं। अच्छा, लाल कलर होता है। अब वो बात दूसरी है कि अंदर रेड सेल होती है और वाइट सेल होती है। तो मंगल जब बदी हो जाती है या मंगल ग्रह को कोई ग्रह पीड़ित कर देता है, जैसे अंगारक योग में राहु आ गया, केतु आ गया या शनि आ गए, तो ब्लड में इन्फेक्शन के चांस बनते हैं और मीठापा बढ़ जाता है, क्योंकि हनुमान जी को भी मीठा बड़ा पसंद है। तो उनसे लाल चीज का दान करवाते हैं, जैसे लाल मसूर हो गई, बोलेंगे कि बूंदी का प्रसाद भी चढ़ाना, लाल चढ़ाओ, बट एडॉप्ट मत करो। सबसे ज्यादा इसमें कारगर होती है शहद वगैरह का, हम लोग दान करवाते हैं। ये मेरी अपनी स्टडी है, और शुगर की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, मंगल कारक है, हनुमान जी का सहारा लिए हमने करना शुरू कर दिया। किसी का मकान की कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो भवन भूमि के कारक ग्रह भी मंगल ग्रह हैं, अब उनके चतुर्थ भाव पीड़ित है कुंडली में, या कुंडली में मंगल ही बदी है, या मंगल नीच का हो गया, या मंगल की पोजीशन बहुत खराब है, तो भवन भूमि के काम में बड़े अड़चन होता है। वो आदमी अगर कहीं एडवांस दे दे तो वो भी फंसने का डर रहते हैं, और जल्दी मकान बन नहीं पाता, ऐसे कैसे जाते हैं। तो मंगल की स्थिति देखा, हनुमान जी का लिया, तो जहाँ मैं देखता हूँ कि कमजोर पड़ रहा हूँ या ज्योतिष यहाँ बहुत ज़्यादा, मैंने तुरंत हनुमान जी का, हाँ कॉम्प्लिकेटेड होता। वैसे तो देखिए मैं बताऊँ, ज्योतिष श्रापित विद्या है, इसको तीन बार बढ़िया से श्राप मिला है, चाहे कितना भी प्रकांड विद्वान हो, मैं साफ साफ बोलता हूँ क्योंकि मेरे को कोई लोभ लालच नहीं है। एक श्राप तो लक्ष्मी जी का ही दिया हुआ है कि इस विद्या को जो करेगा वो मांग के खाएगा,
तो हम लोग भी फीस ही मांगते हैं। वो बात दूसरी है कि बाई कास्ट हम ब्राह्मण नहीं है तो हम तो वो नहीं लेते, किसी का दान मैं नहीं लेता, मैं अपनी कंसल्टेंसी फी ही मांगता हूँ कि भाई अगर पूरी कुंडली का ब्यौरा लेना है तो आप मेरे को कंसल्टेशन चार्ज दे। विद्या है अगर, और ये विद्या है मेरा भी, प्रोफेशन है अपन भी तो, हाँ जी हाँ जी, परिवार है तो ये सब चीज़ें वो चीज़ है। तो इस तरीके से मंगल के वजह से और हनुमान जी की वजह से मैं भाई कई काम सॉर्ट आउट करता हूँ, और ऐसा हनुमान जी चमत्कार कर